सिनेमा शो में आज बात करेंगे अमेज़न की सीरीज द रिंग ऑफ पावर की, जिसका टीजर रिलीज हुआ है। बताएंगे ब्लैक मिरर के 6वें सीजन में किसे कास्ट किया गया और रणबीर ने शमशेरा को अपने करियर की सबसे टफ फिल्म क्यों बताया। नमस्ते, मेरा नाम है जीशा और चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी खबरों पर। ओवन विल्सन की फिल्म सीक्रेट हेडक्वार्टर्स का ट्रेलर आ गया। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने पिता को सुपर हीरो मानता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता की जासूसी करने लगता है। फिल्म के प्रोडक्शन को लेकर अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। ये 12 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अमेज़न की मच अवेटेड सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर का टीजर आ गया। ये सीरीज J.R.R. टॉल्किन की बुक पर बेस्ड होगी। द रिंग्स ऑफ पावर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की प्रीक्वल सीरीज होगी। इसे दुनिया की सबसे महंगी सीरीज बताया जा रहा है, जिसे 2 सितंबर से देखा जा सकेगा। स्ट्रेंजर थिंग्स में विल बनने वाले एक्टर नोआ श्राफ ने बताया कि सीरीज में उनका किरदार के यानी समलैंगिक है, जो अपने दोस्त माइक को बहुत पसंद करता है। नोआ ने कहा कि इसका हिंट सीजन 1 से ही दिया गया था, मगर अब ये 100% क्लियर है। नेटफ्लिक्स की सीरीज ब्लैक मिरर का 6वां सीजन अनाउंस हो गया। इसमें जॉश हार्टनेट और ब्रेकिंग बैड वाले एरन पॉल भी नजर आएंगे। फिलहाल इसके प्रोडक्शन को लेकर ज्यादा अपडेट्स नहीं आई है। नेटफ्लिक्स का ग्लोबल फैन इवेंट टुडूम फिर होने वाला है। इसे नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर 24 सितंबर को स्ट्रीम किया जाएगा। रिपोर्ट्स है कि इस बार ये इवेंट में नेटफ्लिक्स करीब 100 नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट कर सकता है। ट्विटर पर एक फोटो शेयर हो रहा है जिसमें चिरंजीवी, नागार्जुना, नाग चैतन्य, SS राजमौली, शिव कुमार और आमिर खान नजर आ रहे हैं। आमिर ने सभी के लिए हैदराबाद में अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। ये फिल्म टॉम हैंक्स की फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी अडैप्टेशन है, जिसे 11 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। नयनतारा और विघ्नेश सिवन ने पिछले महीने शादी कर ली। खबर थी कि उनकी शादी के वीडियो राइट्स को नेटफ्लिक्स ने बड़े अमाउंट पर खरीदा था, मगर अब पिंकविला की रिपोर्ट है कि नेटफ्लिक्स ने ये डील तोड़ दी है। विघ्नेश ने अपनी शादी के एक महीने पूरे होने पर शादी की कुछ स्पेशल फोटोज शेयर कर दी थी, जिसकी वजह से अब नेटफ्लिक्स ने उनके साथ करार तोड़ दिया। पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपनी फिल्म आडू जीवितम की शूटिंग खत्म कर ली है। ये एक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म होगी, जिसके लिए पृथ्वीराज ने करीब 24 किलो वजन कम किए थे। फिलहाल फिल्म के प्लॉट को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है, मगर इसका फर्स्ट लुक काफी कैची है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपनी कई सीरीज के सेकेंड सीजन की अनाउंसमेंट की है। एक वीडियो शेयर करते हुए नेटफ्लिक्स ने बताया कि दिल्ली क्राइम, मिसमैच्ड, द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स, जम तारा जैसी सीरीज का सेकेंड पार्ट होगा। मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को 19 साल पुराने केस में 2 साल की सजा हुई थी, जिसको पटियाला कोर्ट ने बरकरार रखा है। दलेर को अब जेल भेज दिया गया है। ये मामला 2003 का है, जो मानव तस्करी से जुड़ा है। साल 2018 में दलेर को दोषी पाया गया था। उनके खिलाफ IPC की धारा 420 और 120B के तहत चार्ज किया गया है। जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी फिल्म तेहरान की शूटिंग कर रहे हैं। इसे लिखा है रितेश शाह ने और डायरेक्ट कर रहे हैं शिवम नायर। रिसेंटली रितेश ने बताया कि तेहरान के अलावा भी वो जॉन अब्राहम के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तेहरान के बाद वो एक फीमेल एक्शन रिवेंज फिल्म बनाएंगे। फिलहाल इसकी डिटेल्स नहीं आई है। तमिल और मलयालम फिल्मों के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर प्रताप पोतेन का निधन हो गया है। वो 70 साल के थे। वो अपने चेन्नई वाले अपार्टमेंट में मृत पाए गए। उन्हें रिसेंटली तुगलक दरबार और CBI 5 द ब्रेन जैसी फिल्मों में देखा गया था। राघव लॉरेंस ने अपनी फिल्म चंद्रमुखी 2 की शूटिंग शुरू कर दी। इससे पहले वो रजनीकांत के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। राघव ने रजनी के साथ तस्वीर भी शेयर की। राघव की ये फिल्म साल 2005 में आई रजनीकांत की चंद्रमुखी का सीक्वल होगी। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म फोन भूत का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ। इसमें सिद्धांत, कैटरीना और ईशान कंकालों के बीच बैठे दिख रहे हैं। गुरमीत सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी, जिसे 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। रणबीर कपूर जल्द ही फिल्म शमशेरा में दिखेंगे। इंडिया टुडे को दिए हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये फिल्म उनके करियर की अब तक की सबसे मुश्किल फिल्म रही। रणबीर ने बताया कि शमशेरा के किरदार को पर्दे पर निभाना और उनका लुक रखना रणबीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। रणबीर ने बताया कि ये पीरियड फिल्म है, इसीलिए उन्हें अपनी बॉडी पर सबसे ज्यादा काम करना पड़ा। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। आपके लिए इन खबरों को लिखा है हमारी साथी मेघना ने। वैसे आप चाहे तो जादूकर, हिट द फर्स्ट केस और शाबाश मिट्ठू, इनके रिव्यूज आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आपने वीकेंड पर क्या देखा ये भी जरूर साझा कीजिए। अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते। शुक्रिया। थिएटर और OTT में क्या बढ़िया है, एक बार रिव्यू तो बताओ। जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ललन टॉप सिनेमा।